भाईजान का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी कल शाम से तो नहीं आया. ठीक है. अरे आफीन, जल्दी आ, अफरोज का फोन है. सलाम अलैकुम मम्मी, सब खैरियत? अफरोज, वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह आपकी सब दुआएं पूरी करे. आप एयरपोर्ट पहुंच गए? नहीं अम्मी, मैं एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाला था लेकिन ऑफिस का एक अचानक से काम आ गया, नहीं आ पाऊंगा. आफरीन, अफरोज का फोन है, ले भाई से बात कर. अम्मी क्या फायदा, भाईजान को घर आने का तो टाइम नहीं है. वो मुझसे बात भी क्यों करेंगे, उन्हें बोलिए अपने ऑफिस वालों से ही बात करें. तू इसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, बच्ची है, जल्दी गुस्सा हो जाती है. अम्मी मैं इस साल छोटी के लिए ईद पे क्या भेजूं? उसे फोटोग्राफी पसंद है ना, कैमरा भेज दूं? अम्मी भाईजान को बोल दीजिए कोई जरूरत नहीं है, अगर वो खुद नहीं आ सकते तो ईदी भी ना भेजे. आज पता नहीं क्या हो गया इसे. तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना. आफरीन, ईद के मुबारक मौके पे भाईजान से कोई ऐसे बात करता है? आफरीन तैयार हो जाइए, अबा आपके अब्बू और मेहमान आते ही होंगे. अफरोज जैदी. आफरीन जैदी, ईद मुबारक. ईद मुबारक. इधर की उधर हो सकती है लेकिन तेरा भाईजान तेरी ईदी कभी नहीं भूलेगा. सच में एकदम मोर की परी लग रही है मेरी बहन, तो नजर ना लगे. चल अब मम्मी को फोन दे, मुझे उन्हें अपनी ईदी के लिए शुक्रिया करना है. ये देख मेरे कपड़े कितनी अच्छी हो गई उनकी चॉइस. आज लाइक ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर रही है क्या? भाईजान आपकी ईदी अम्मी ने नहीं, इस बार लाइफस्टाइल ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू मैंने भिजवाई है और आप भी किसी नूर से कम नहीं लग रहे हैं. वैसे जब कल आपका फोन आया तो मैं बहुत गुस्सा हुई,
लेकिन फिर मैंने सोचा अगर आप इस ईद पे मेरे पास नहीं आ सकते लेकिन मेरी गुड विशेस तो आपके पास आ सकती है ना। अब सेंटी मत हो, रोते हुए बिल्कुल बंदर लगते हो आप भाईजान। अगर अपनी छोटी को थैंक यू बोलना ही है तो अगली बार ईद पे घर आके थैंक यू बोलिएगा और अपने बॉस महाशय का नंबर दीजिए, मैं बात करती हूँ उनसे आपकी छुट्टी की। तो कम इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। पक्का अगली ईद तेरा भाईजान तेरे साथ मनाएगा। प्रॉमिस प्रॉमिस।